दोस्तों अयोध्या तो बस एक झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सच होने वाला है, क्योंकि काशी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में भी मस्जिद नहीं है, बल्कि वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का हिंदू मंदिर है। और ऐसा मैं नहीं, ASI की रिपोर्ट कह रही है। बल्कि रिपोर्ट्स का कहना ये भी है कि 1676 में औरंगजेब के द्वारा वहाँ पे मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। साथ में रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी हिंदू मंदिर के होने का एक प्रतीक है। और वैज्ञानिकों के सर्वे के दौरान वहाँ पे 32 शिलापट मिले हैं, जिनपे कन्नड़, तेलुगु और देवनागरी भाषा में लेख उकेरे गए हैं, और ओम और स्वास्तिक जैसे चिन्ह भी बने हुए हैं। और ASI के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा करा है कि मस्जिद के अंदर से कई सारी मूर्तियां और हिंदू देवी देवताओं के स्क्रिप्चर्स बाहर निकले हैं। दोस्तों इन सारी बातों से ये तो साफ है कि ज्ञानवापी मस्जिद भी बाबरी मस्जिद की तरह हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर बनाई गई है। दोस्तों चलिए इस पूरे मुद्दे को जड़ से समझते हैं। यह ज्ञानवापी मस्जिद और यह काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर में यहाँ नंदी महाराज विराजमान है, और मस्जिद में यहाँ पर यह वजू खाना, यानी कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पांव धोने की जगह। दोस्तों इस वजू खाने और इसी तरफ मुंह करे नंदी महाराज जो बैठे हुए, इनके बीच में 83 फीट की दूरी है। और मस्जिद की इस दीवार पे माँ श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है, जहाँ पूजा की जाती है। दोस्तों कोर्ट के ऑर्डर पे जब इस वजू खाने के पानी को खाली करवाया गया सर्वे के लिए, तो इसके अंदर एक टैंक जैसा स्ट्रक्चर मिला और उसके अंदर एक शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर, और सर्वे के दौरान कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। दोस्तों इन सब के बाद हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये एक शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये एक फुब्बारा है और यहाँ ये हजारों सालों से है। दोस्तों इन सब के बीच सोचने वाली बात यह है कि नंदी जी का मुख हिंदू संस्कृति के अनुसार हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, और कुछ इसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी का मुख मस्जिद की तरफ है, और वहाँ भी ये वजू खाने की तरफ, जहाँ पे ये शिवलिंग पाई गई है। दोस्तों एक बात जो आपको नहीं पता होगी कि जब मस्जिद के तहखाने का सर्वे किया जा रहा था, तो वहाँ पे कई ऐसे खंभे मिले जिन पर ओम और स्वास्तिक बने थे। दोस्तों ये मुद्दा हर दिन कोर्ट में नए मोड़ ले रहा है, इसकी हर दिन की खबर मैं आप तक पहुँचाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं।